नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमारे रेलवे ग्रुप डी की मॉडल पेपर्स की सीरीज चल रही थी, मैंने आपको 3 मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करवा चुका हूं आपको पहले, और ये है हमारा मॉडल पेपर 4। तो अभी तक भी अगर हमारे आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 कि यह शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8% होता है, यह सत्य नहीं है। तो जो कि ये जो 1.7 से 1.9 रहकर ये 7 से 8% तक होता है, ठीक है, और बाकी इसके ये सारे सही हैं और इसमें 7 से 8% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन दिया गया है आपको, एक प्रश्न है और 2 कथन दिए गए हैं, पहचानिए कि कौन से कथन उत्तर के लिए जरूरी या पर्याप्त है। तो प्रश्न है विमला की उम्र क्या है, उससे कथन 1 से दिया गया है कि विमला, कमला और सुधा सारे समान उम्र के हैं। तो विमला की आयु, और इसमें दिया गया है विमला, कमला और अमला की कुल उम्र 32 वर्ष है, और अमला की उम्र विमला और कमला दोनों की उम्र के बराबर है। तो देखते हैं कथन 1 से क्या जाएगा कि जो विमला की जो आयु है वो कमला की आयु के और जो सुधा की आयु के है वो बराबर है। और कथन दूसरे से, ये तो कथन फर्स्ट से आ गया, और कथन दूसरे से हम क्या निकालेंगे कि जो विमला है उसकी आयु प्लस जो कमला है उसकी आयु और जो अमला है उसकी आयु का योग कितना दिया हुआ है, 32। अब जब अमला की आयु है, क्या है, अमला की उम्र विमला और कमला के दोनों के उम्र के बराबर है, तो अमला की आयु जो बराबर हो जाएगी किसकी, कमला प्लस विमला की आयु के। अब समीकरण 1 से आप देख सकते हैं कि जो 2 × अमला की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 32, तो अमला की आयु क्या जाएगी हमारे पास 16। और कथन 1 से आप देख सकते हैं कि विमला और कमला की आयु बराबर है, तो जो विमला की आयु हो जाएगी वो 2 प्लस अमला की आयु वो आ जाएगी कितनी, 32। अतः फिर विमला की आयु निकालेंगे तो वो आ जाएगी 32 − 16/2, तो विमला की आयु कितनी हो गई, 8 वर्ष। अर्थात जब हमने ये जो इसका आंसर निकाला वो कथन 1 और कथन 2 दोनों की मदद से निकाला, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंकड़ा 1 और 2 दोनों ही एक साथ जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, एक कुली जमीन से 11 किलोग्राम का सामान उठाता है और जमीन में 15 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, कुली द्वारा सामान पर कुल कितना कार्य किया गया। तो कुल कितना कार्य किया गया, तो देखिए कुली द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा वो जाएगा MgH, ठीक है, ये कुली द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा भी यही होती है क्योंकि स्थिति वो स्थित है एक जगह पे, स्थिति ऊर्जा। बाकी अगर वैसे कार्य किया जाए कि कुली अपने सिर पे सामान रख के अगर कोई काम करे और उसे आगे ले करे तो उसके द्वारा कार्य किया गया वैसे तो 0 होता है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और वो कोस थीटा फॉर्मूले में होता है हमारा, W बराबर FS कोस थीटा, तो कोस 90 बराबर 0 डिग्री हो जाता है, तो वो उसका आंसर हो जाता है 0। पर ये अगर इस तरह से पूछा गया क्योंकि उसे उठाने में क्या करें, तो द्रव्यमान कितना था 11 kg और कितना ऊँचे उठाया उसने 15 मीटर ऊंचाई पर उठाया और कितने से जी का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, हमेशा तुरंत 10 होता है और वो दिया हुआ भी है, इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 165 जूल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदन का मुख पश्चिम की ओर है, वह 135 डिग्री की दिशा में मुड़ता है और फिर 45 डिग्री की विपरीत दिशा में मुड़ता है, अब उसका मुख किस दिशा में है। तो देख लेते हैं भाई किस दिशा में है, इसकी मान लो स्थिति ये है, अब ये कहा गया है कि 135 डिग्री में मुड़ता है, तो ये हो जाएगा यहाँ तक हो जाएगा 90 और इसके थोड़ा सा आगे हो जाएगा ये 135 डिग्री, तो इस दिशा में वो मुड़ता है। अब बोल रहा है कि और फिर वह 45 डिग्री की विपरीत दिशा में मुड़ता है, अब विपरीत उसको मुड़ा देते हैं भाई 45 डिग्री, मतलब कि इसकी स्थिति अब ये हो जाएगी। अब देखिए इसका मुख किस दिशा की ओर है, तो इधर की ओर है तो अर्थात उत्तर की ओर, इस तरह से चार्ट बनेगा ईस्ट वेस्ट साउथ, तो कहाँ है उसका मुख, उत्तर की ओर, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आयताकार डिब्बे की माप 2:3:5 के अनुपात में है, यदि कुल सतह क्षेत्रफल कितना है 6200 वर्ग सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयाम ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयाम क्या होगा, देखिए घनाभ का आयतन है, ये आयाम नहीं है, इसका फॉर्मूला क्या होता है घनाभ के आयतन का, वो होता है 2 × लंबाई × चौड़ाई
प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब निकाल लेंगे, मैंने आपको बताया है जब भी अगर अनुपात में आया तो उसे x ले लिया, अगर 2x 3x या 5x इस तरह से ले लो, इसको अब सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो तो 2 इंटू 2x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 5x प्लस 5x इंटू 2x, और ये टोटल कितना दिया हुआ है आपको 6200 वर्ग। अब इस इक्वेशन को सोल्व जब आप करोगे तो आपके पास x बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसका अनुपात में इसका मान रख लीजिए तो 2 इंटू 10 20 और 3 30 और फिर ये हो जाएगा 50, तो 20 30 50 सेंटीमीटर अर्थात ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया एक कथन दो तर्कों का अनुसरण करता है, निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन जो तर्क के संदर्भ में जो है मजबूत है। तो कथन क्या दिया है, कथन दिया गया है क्या किसी कंपनी में पदोन्नति के लिए मानदंड ज्येष्ठता होना चाहिए, तो ये इसका कथन दिया गया है। अब इसके तर्क देखते हैं क्या है। हाँ, बिना वरिष्ठ कर्मचारियों के किसी कंपनी में काम का संचालन सहजता से नहीं चल सकता। और दूसरा दिया गया है नहीं, यह छल और भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो बताइए आप इसमें कौन सा तर्क मजबूत होगा, तो इसमें हो जाएगा न तो तर्क एक मजबूत होगा और न ही दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो किसकी कोई भी इकाई नहीं होती, तो वो है आवर्धन। आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन में यू, ऊंचाई होती है एच अपॉन एच, तो ये कट जाती है तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रवि के पास उसके बैंक खाते में 713.39 थे। ठीक है, ये उसके पास रुपए थे। खाते में फिर से कुछ राशि जमा कराई और फिर 5 कमीजों के पैसे देने के लिए उसमें से पैसे निकाले। प्रत्येक कमीज की कीमत 123.79 थी। यदि उसके खाते में कुल राशि शेष है कितनी है, 545.19, तो उसने कितनी राशि जमा कराई थी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि रवि ने अपने खाते में धनराशि एक्स रुपये जमा कराई थी, कितनी एक्स मान लेते हैं उसने जमा कराई थी, तो कुल कितनी हो जाएगी भाई, 713.39 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसने कहा है कि कमीज ली थी और उसके लिए उसने 123.79 लिए थे उसमें से पैसे, तो ये माइनस कर देंगे 123.79 इंटू 5 क्योंकि 5 कमीजें ली थी। ठीक है, और फिर उसके पास कितने बच गए थे, उसने बताया कितने, 545.19। अब इसी क्वेश्चन को आप जब सोल्व करोगे तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 450.75 अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं सभी के तरीके बता दूंगा, सोल्व आपको खुद को ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस RBI द्वारा खालिस्तान के विक्रय और क्रय का को संदर्भित करता है, तो क्या करता है भाई, उसको संदर्भित करता है सरकारी प्रतिभूतियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को खालिस्तान के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था, तो वो क्या था, वो था रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है, यदि उसी दूरी को 8 घंटों में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो देखिए कुल रेलगाड़ी की गति कितनी हो जाएगी भाई, ये है चाल और ये है समय, तो दूरी कितनी आ जाएगी, चाल इंटू समय 48 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 480। अब 8 घंटों में यात्रा पूरी के लिए 8 घंटों में उसने की, तो 8 घंटे के लिए क्या हो जाएगा, जो उसकी अभीष्ट चाल आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दूरी हमारे पास आ गई 480 और समय दिया गया 8 घंटा, अर्थात ये कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इजी सवाल था, क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में से उत्पाद को x से दर्शाया गया है, तो जो उत्पाद है वो x से दर्शाया गया है और ये उसके अभिकारक हैं, तो CaCO3 अगर इसे हीट दी जाए तो CO और प्लस, और ये किस में डिवाइड होगा, वो किस में डिवाइड हो जाएगा, CaO प्लस CO2 में, ये उत्पाद इसके बन जाएंगे जो अभिकारक दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में से एक भिन्न आकृति को चुनिए, भाई इस प्रकार की आकृति दी गई है इसमें से भिन्न आकृति आपको चुननी है, तो वो क्या है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऊपर वाले भाग हैं, बाकी इसके इसका और इसका, उसमें लाइनें खींची हुई हैं,
जबकि सी में है वो नीचे की तरफ लाइनें खींची हुई हैं, तो इसका भिन्न भाग कौन सा आ जाएगा? सी अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को 7:11 में अनुपात में विभाजित किया गया था, जब प्रत्येक संख्या को 6 जोड़ा गया प्रत्येक से तो अनुपात बनकर 5:7 हो गया, तो बताइए कि प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी भाई। अनुपात में मैंने आपको बताया गया हमेशा इसको x से इंटू करके मान लीजिए 7x है, ठीक है, और बट्टे कितना दे रखा है 11x, ये अनुपात था। अब जब इसमें 6 जोड़ा गया तो 6 जोड़ देते हैं भाई, ये +6 और +6, अब ये अनुपात बदल के कितना हो गया 5/7। अब इसका वज्रगुणा कर देंगे, अब वज्रगुणा कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी और फिर इससे आपको x का मान निकालना होगा, तो x का मान सीधा आ जाएगा कितना 2 इसका आ जाएगा। अब जो संख्या होगी, इसने क्या पूछा है प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी थी, अब भाई 7:11 में तो बड़ी संख्या 11x वाली ही होगी, अब जो 2 दे रखा है x का मान, तो 11x कितना हो जाएगा 22, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15वां, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा? तो भाई पृथ्वी पर इसका वजन बताना है, तो वस्तु का द्रव्यमान आपको कितना दिया गया है 20, ठीक है, और जी दिया गया है त्वरण वो है 10। अब वस्तु का द्रव्यमान जो होता है W, वो क्या होता है W बराबर mg होता है, वेट बराबर mg, इसको इंटू कर दीजिए तो 20 × 10 ये आ जाएगा कितना न्यूटन, 20 × 10 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन किस में दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2016 में से किसे फ्रांस के पोप द्वारा संतगण की उपाधि दी गई, तो किसे दी गई थी, वो दी गई थी मदर टेरेसा को, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हमें दर्पण में देखने पर घड़ी 9:30 का समय दिखाती है, तो वास्तविक तौर पर घड़ी में सही समय क्या होगा? तो भाई 9:30 दिखा रही है दर्पण में देखने पर, अब जब भी दर्पण के सूत्र ऐसे आए तो उसको किस तरह से निकालते हैं, जो 12 घंटे का समय होता है 12 घंटे में से इस समय को माइनस कर दीजिए 9:30 को, तो जो वास्तविक समय है वो आ जाएगा आपके पास 2:30 इसका वास्तविक समय आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को निकालेंगे, जो ऑप्शन में दिया नहीं गया है इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई शायद, 3:30 नहीं इसका 2:30 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भारत की जो प्रथम महिला थी वो एथलीट है जिसने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, तो भाई कौन थी वो प्रथम महिला, वो थी दीपा कर्माकर, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2017 में भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ आयोजित किया गया, वो था गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, रघु ने 5 वक्र रेखाएं छापी चिन्हित की है, 5 रेखाएं हैं ABCD और E, में से कोई 4 किसी खास तरह से समान है, 1 वक्र किसी भी तरह से बाकी 4 से समान नहीं है, वह वक्र चुनिए जो बाकी रेखाओं से अलग है, तो भाई चुनना है किस तरह से देखेंगे भाई, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरह से जो रेखाएं चल रही हैं ये इस तरह से चलेंगी, तो इसी तरह से जो बी भी चल रही है, ठीक है, और डी भी इसी तरह से चल रही है, ठीक है, और ये भी इसी तरह से चल रही है, तो मतलब बाकी जितनी सारी हैं ये सारी क्लॉकवाइज चल रही है, पर आप ये जो देखोगे सी, ये एंटी क्लॉक चल रही है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है अर्थात ऑप्शन नंबर 1 में सी दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटों के बाद एक ट्रेन 70 km/h की चाल से प्रस्थान करती है, और 5 घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में पहली ट्रेन की चाल बताएं, तो भाई पहली ट्रेन की चाल बतानी है तो किस तरह से बताएंगे पहली ट्रेन की चाल, देखिए मान लेते हैं कि जो दूसरी ट्रेन और पहली ट्रेन को जो स्टेशन से पकड़ लेती है वो अपन मान लेते हैं x किलोमीटर दूरी पे उसे पकड़ लेती है, ठीक है। अब जो ए है स्टेशन ए, वो जो चलती है वो पहली ट्रेन जो इस तरह से चलेगी, मान लो फर्स्ट ट्रेन हो गई, और जो बी है वो दूसरा स्टेशन, वो मान लो दूसरी ट्रेन है वो यहाँ आ जाएगी सेकेंड ट्रेन। अब ये जो किलोमीटर जो हमने दूरी मानी वो मान ली हमने x किलोमीटर, अब जो पहली ट्रेन की चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई x/7,
तो चाल आ जाएगी टोटल 70 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो वो जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी x बटे 7। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है 70 किलोमीटर घंटे प्रति चाल से, तो चाल तो आ गई 70 और ये हो जाएगा दूरी बटे समय अर्थात x बटे 5, क्योंकि 2 घंटे के बाद करती है प्रस्थान वो, तो ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 350, क्योंकि 5 × 70 कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 × 70 कितना 350, तो आ जाएगी 350। और जो हमारे पास जो पहली ट्रेन की चाल हमने क्या निकाली थी x बटे 7, तो 350 बटे 7, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो इसका एक है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो भारत में अगर रुपया चलता है तो यूके में क्या चलता है भाई, यूके में चलता है पौंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 cot θ = 5 दिया हुआ है, तो आपको इस 5 sin θ + 3 cos θ / 5 sin θ - sin θ का मान निकालना है। तो भाई cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos θ / sin θ, ठीक है, 4 इसके नीचे डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 5/4। तो cos θ / sin θ का मान आ गया कितना 5/4। अब इसका वज्रगुणा कर लीजिए, वज्रगुणा जब आप करोगे तो यह आ जाएगा 4 cos θ = 3 sin θ, ठीक है, मतलब कि 4 cos θ बराबर आ गया किसके 5 sin θ के। अब जो ऊपर दिया गया है 5 sin θ और अपने नीचे भी 5 sin θ दिया है, इसकी जगह हम 4 cos θ लिख सकते हैं, तो लिख देंगे भाई 4 cos θ + 3 cos θ / 4 cos θ - 3 cos θ। अब 4 cos θ + 3 cos θ कितना हो जाएगा भाई 7 cos θ / 4 cos θ - 3 cos θ, ये कितना हो जाएगा सिर्फ cos थीटा, तो cos से cos कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24, x और y एक दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 4.5 और 2.5 के रूप में लिखे जाते हैं, तो x - y मूल्य की ऊपरी सीमा क्या है। इसका देखिए किस तरह से करेंगे इसको, x और y एक दशमलव स्थान से सही दिया गया, तो भाई x - y आपको जो दिया गया है वो कितना हो जाएगा x - y, क्योंकि ऊपरी सीमा से दिया गया है, तो ऊपरी सीमा से निकालने के लिए जो दशमलव क्रम से क्या क्या दिए गए थे आपको 4.5 और 2.4, इसको आपस में माइनस कर दीजिए, 4.5 जो x दिया हुआ है और 2.4, तो जो ऊपरी सीमा जो हो जाएगी जब इनका माइनस करते हैं तो ऊपरी सीमा आ जाती है, ऊपरी सीमा आ जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 2.1, तो ऑप्शन नंबर इसका एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रदर्शित हुई थी भाई, ये कौन से सन में हुई थी, जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वो कौन सा सन था, वो था 1872, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है Na2CO3, अर्थात ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है 6 किलोग्राम और 5 ग्राम, इसको किग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे भाई, जब ग्राम को किग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का भाग दे देते हैं, तो 6 किग्रा तो 6 किग्रा ही रहेगा प्लस, और 5 ग्राम बटे 1000, अब इसको डिवाइड कर लो, ये कितना आ जाएगा 6 प्लस जितनी संख्या है उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.05 ये आ जाएगा टोटल केजी में, अभी से ऐड कर लो तो 6.005, अर्थात ऑप्शन नंबर तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, तो वह भिन्न क्या है भाई, 1/6 से किसी भिन्न को घटा लेते हैं, तो मानते हैं कि वो जो भिन्न है वो x है, मान लिया, अभी से 1/6 में से घटाने पर, 1/6 में से घटाने पर क्या आ गया 1/13, अभी से आप सोल्व कर ही सकते हैं, तो x बराबर आ जाएगा डायरेक्ट बता देता हूँ 7/78, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 29, दी गई सारणी पिछले 3 सालों में 3 एथलीट अकादमियों के जिला स्तर चयन को दर्शाता है, तो भाई ये अकादमी है 3 और ये जिला स्तर चयन को सन के अनुसार दर्शाता है। अब इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए क्या पूछा है, 3 साल में अकादमी बी से
जिला स्तर पर कुल कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो भाई तीन सालों में बी से, तो तीन साल में बी से दिखाना है, बी से तीन सालों तक, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, मतलब कि 1 + 5 + 2 कितने हो गए, 8। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन की पालना करता है। तो कथन दिया गया है सभी लड़के गायक हैं, मान लेते हैं ये हो गए लड़के और जो सभी लड़के हैं वो क्या है, गायक, ये हो गए लड़के और ये हो गए सिंगर, ठीक है, बॉयज और सिंगर। अब बोला गया कुछ गायक प्रशिक्षित हैं, तो भाई ये जो गायक थे सिंगर थे ये जो कुछ बोला है तो ये इस तरह से ये हो जाएगा प्रशिक्षित, ठीक है। इस तरह से हमने चार्ट बना लिया। अब निष्कर्ष है सभी गायक लड़के हैं, तो सभी गायक तो लड़के हैं नहीं, जबकि सभी लड़के गायक जरूर हो सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा गलत। कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है, तो भाई कुछ तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अलग है इससे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो न तो निष्कर्ष एक ही पालना करता है न दो पालना करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया गया, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, तो सबको पता होगा भाई आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है, अमरावती, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5.25% साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 3250 की राशि पर 8 वर्षों में ब्याज अर्जित होगा। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ, PRT/100 ये होता है इसका फॉर्मूला। मूलधन दिया गया आपको 3250, दर दी गई है 8 वर्ष और समय आपको दिया गया है कितना, सॉरी समय दिया गया 8 वर्ष और रेट जो दी गई है वो दी गई कितनी, 5.25%, ठीक है, अपॉन में 100। अब आप इसे सोल्व करना, ये आपका काम है, इसे सोल्व कीजिए, आ जाएगा डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 1365, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्न को बाहर निकाले, तो आप देख सकते हैं कि सीधा सही है, ये सभी दर्पण प्रतिबिंब की तरह लग रहे हैं ये भी, जबकि ये जो ये वाला है ये दर्पण प्रतिबिंब की तरह नहीं लग रहा, उत्तर आकृति जो डी है वो इसमें गलत हो जाएगी और सर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम एक 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 208 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। भाई औसत चाल ज्ञात करनी है राम की, तो जो अभीष्ट चाल होगी औसत चाल वो कितनी हो जाएगी, औसत दूरी बटे औसत समय, तो औसत दूरी कितनी हो गई, औसत दूरी हो गई इसकी उसी रास्ते से वापस आने में 208 मीटर की दूरी तय करता है, अर्थात 208, ठीक है, और जो चाल है उसकी वो कितनी दी गई है, 104 लंबे मीटर इसमें तैरता है वो, एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने में वापस उसी 208 मीटर की दूरी 1 मिनट में, तो समय दिया कितना 1 मिनट, अर्थात 60 सेकेंड, तो आ जाएगा इसका 208/60 अर्थात 3.47 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर के अर्धव्यास वाले एक समकोण गोलाकार बेलन जार में कुछ पानी है, यदि 5.6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली गोलाकार गेंद पानी में फेंकी जाती है और पूरी तरह पानी में डुबोई जाती है तो जार में पानी लगभग किस स्तर तक, ऊंचाई तक बढ़ेगा। तो देखिए भाई इसका आंसर किस तरह से निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर देखना है। तो भाई जार दिए गए हैं, मान लेते हैं कि ये एक जार है, ये 14 सेंटीमीटर इसका जो हो जाएगा बेलन की त्रिज्या, और इसमें जो पानी भरा गया है मान लेते हैं कि वो भाई H ऊंचाई तक इसमें, मान लेते हैं ये जो पानी है मान लेते हैं कि ये H ऊंचाई तक इसमें पानी भरा गया है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि जो एक गेंद है वो इसमें डुबोई जाती है, तो मान लेते हैं कि इस तरह से भाई इसमें कोई गेंद डुबा दी गई जिसकी आपको 5.6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली वो दी गई है गेंद, और ये इसमें पानी का स्तर है, तो मान लेते हैं कि ये H1 तक स्तर इसका बढ़ गया। अब क्या होगा देखिए, अब इस किस तरह से इसको निकालूंगा मैं, ये फॉर्मूला ये जो चित्र है आप देख लीजिए एक बार, अब देखिए किस तरह से इसको निकालेंगे। तो जो भाई जार का जो बाद में जो आयतन होगा
वो जो जार के पहले वाले आयतन में से अगर मैं घटा दूं तो हमारे पास गेंद का आयतन आ जाएगा। सही बात है, पहले वाला जो बाद वाला जो आयतन होगा वो टोटल होगा उसका, और उसमें से पहले वाला अगर मैं घटा दूं क्योंकि उसमें बॉल डालेगी तो हमारे पास सीधी सी बात है गेंद का आयतन आ जाएगा। तो जो जार के जो बाद वाला आयतन है, जार का जो बाद वाला आयतन है उसमें से माइनस कर दो पहले वाला आयतन, तो कितना आ जाएगा किसका, गेंद का आयतन आ जाएगा। तो बाद का आयतन कितना है, पाई, कितना होता है भाई बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कितनी दे रखी थी, 14 सेंटीमीटर आर स्क्वायर एच, ये तो आ जाएगा बाद वाला, और पहले वाला जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसमें एच वन मानी थी तो आर स्क्वायर एच 14 ही दी गई है स्क्वायर, और इसमें एच माना है और इसमें एच वन माना है। अब गेंद का आयतन, अब गेंद का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और गेंद की क्यूब कितनी दी गई है, आर 5.6 दी गई है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसे अपन सोल्व कर लेंगे, तो भाई इसमें पाई इंटू 14 आ जाएगा कॉमन, और एच वन पाई इंटू 14 का होल स्क्वायर इसमें कॉमन आ जाएगा, और एच वन माइनस एच इक्वेस्ट में आ जाएगा 4/3 पाई 5.6 × 5.6 × 5.6। अब एच वन माइनस एच इसे आप जब आप सोल्व करोगे तो वो कितनी आ जाएगी, इसको आप इस नीचे ले जाइएगा सोल्व करेंगे तो ये बराबर में आ जाएगा कितना, 1.194, जो लगभग किसके बराबर होगा, 1.2, क्योंकि 9 के बाद अगर कोई हो जैसे कि इस तरह से अगर कुछ दिया होता है कि 1.194, तो पहली संख्या का अगर 5 से बड़ी संख्या हो तो इसे 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2, तो लगभग 1.2 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी फसल फलीदार है। तो कौन सी फसल फलीदार है भाई, वो है दलहन। दलहन एक ऐसी फसल है जो फलीदार होती है, बाकी तो कोई है नहीं अनाज चना और तिल में से। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2015-16 के राष्ट्रीय एकता के लिए 30वें इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया था भाई, वो थे TM कृष्णा, TM कृष्णा को सम्मानित किया गया था इंदिरा गांधी पुरस्कार के 30वें पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38, निम्नलिखित पाई रेखा चित्र XYZ रेस्टोरेंट का कोई नाम द्वारा विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं की बिक्री की सूचना देता है। तो भाई इस प्रकार से कुछ बिक्री हुई है, चाइनीज़ की 5%, बर्गर की 25%, पिज्ज़ा की 15%, डोनट्स की 20%, सैंडविच की 20% और अन्य पदार्थ की 15%। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट द्वारा कुल राजस्व था वो 35 लाख प्राप्त किया गया था, ठीक है भाई, 35 लाख प्राप्त किया गया। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, जस्ट यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था पहले वाले मॉडल पेपर में, अगर वो किसी ने देखा होगा तो वो आराम से इसका सोल्व कर लेगा इसको। तो 35 लाख प्राप्त किया, एक्स वाई जेड रेस्टोरेंट में किस प्रकार की खाद्य वस्तु में सबसे कम राजस्व प्राप्त हुआ। तो देख लेते हैं भाई सबसे कम राजस्व किस में प्राप्त हुआ है, तो सब में 15-20 हुआ, जबकि चाइनीज में सिर्फ 5% हुआ है, तो सबसे कम राजस्व की इसमें चाइनीज़ में प्राप्त हुआ है। तो 35 लाख टोटल था, 35 लाख का 5% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 1.75 लाख। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, 1.75 लाख तो इसका आ गया, और सबसे कम किसका आया था, चाइनीज़ का, तो चाइनीज़ खाद्य वस्तुएँ। ये तो हमने इसका आंसर वैसे निकाल दिया, अगर पूछा होता है कि राशि में तो इसका हो जाता है 1.75 लाख, क्योंकि वो जो दूसरा मॉडल पेपर था जो मैंने करवाया था उसमें इसकी राशि पूछी गई थी, ठीक है, और इसमें पूछा गया सीधा सीधा, तो आप सीधा इसमें देख के भी निकाल सकते हैं कि 5% है तो सबसे कम तो 5% ही होगा, आपको ये भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी कि 1.75 लाख। तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा चाइनीज़ खाद्य पदार्थ, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39, 21 फरवरी 2018 को भारत ने अपनी स्वदेश विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी सेकंड मिसाइल का रात्रि परीक्षण किस परीक्षण रेंज से किया। तो भाई किससे किया, वो थे भाई मिसाइल का जो किया था वो थे ओडिशा में किया था। तो मैं इसकी जानकारी आपको देता हूँ कि 21 फरवरी 2018 को भारत ने अपनी स्वदेश विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी सेकंड मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण ओडिशा के इन विलर द्वीप से
एकीकृत परीक्षण रेंज से किया था। यह सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ये जो मिसाइल का जो प्रकार है प्रति सेकंड, ये है बैलिस्टिक, और इसकी जो मारक क्षमता है वो थी भाई 250 से 350 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। तो आंसर इसका 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की एकमात्र रिफाइनरी है और यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में कौन से स्थान पर आती है, भाई ये पूछा गया है आपसे, तो वो आती है छठे स्थान पर, ठीक है। छठे स्थान पर आती है मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की एकमात्र रिफाइनरी है जो किस पे आती है भाई, छठे स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41, आपको एक श्रृंखला दी गई है और इसमें बताना है कि उपयोग करते हुए कि ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए किस तरह से पता चलेगा इसका, तो देखिए जो दिया है 688, ठीक है, तो 6 है, 6 में प्लस 3 करेंगे तो कितना है 8, तो आगे आ गया 8, 8 में प्लस 3 करिए 1 2 3 तो भी आ गया कितना 8, तो 688 ये हमारे पास आ गई। अब 426, 4 में प्लस 3 करो, 4 में प्लस 3 48 तो आ जाएगा 2 जो दिया गया। अब 2 में भी प्लस 3 करो तो कितना आ गया 6, भाई श्रृंखला के अनुसार करना है इसका, ध्यान रखिएगा। तो 426, अब देखते हैं 542, तो 5 में प्लस 3 करो तो आ गया 4, अब वापस 4 में प्लस 3 करो तो आ गया 2, अर्थात ये तीनों तो सेम आ गए। अब 268 का देखो, तो 2 में जो प्लस 3 करेंगे, 2 में प्लस 3 करेंगे तो सही है भाई, ये भी सही आ रहा है 6। अब लेकिन 6 में जब प्लस 3 करेंगे तो 3 आ जाता है जबकि 8 नहीं आता, और अगला शब्द इसका 268 दिया गया है, तो जो ये है ये संख्या भिन्न हो जाएगी इस पूरे समूह से 268, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42, यह आकृति आपको दी गई है कुछ इस तरह से, इन दो आकृतियों के बाद में ये, इसके बाद में ये, तो अब पूछा गया है इन दो आकृतियों के बाद कौन सी आकृति आनी चाहिए, तो देखिए भाई कौन सी आएगी, वर्ग दिया गया है, इसमें भी त्रिभुज दिया गया, फिर वर्ग दिया गया, फिर वृत्त दे दिया, इसमें वृत्त दिया, वर्ग दिया गया, फिर त्रिभुज दे दिया, इसमें वर्ग दे दिया, त्रिभुज, तो सीधी सी बात है इधर की साइड जो आएगा वो तो त्रिभुज ही आएगा, ठीक है। अब देखना है कि इधर की साइड नीचे लटका हुआ था ये, फिर इधर था, फिर नीचे था, ये इस तरह से था, तो अगर अब ये इधर की साइड है और ये इधर की साइड है, तो अब अगली आकृति में ये यहाँ पे कहाँ आना चाहिए, ये आ जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि सभी में दिया गया है ऊपर से नीचे की तरफ, इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है, बाकी इसमें दो आकृतियों में ऊपर से नीचे की तरफ कहीं नहीं है, तो ये जो गोला है लोलक की तरह से दिया हुआ है ये ऊपर से नीचे, और जो त्रिभुज आकृति है वो इधर आ जाएगी। तो अब आकृति देख लेते हैं ये कौन सी है, ये दी गई है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात जो बी आकृति है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर 31 × 23 आपको 713 दिया गया है तो 310 × 0.023 कितना होगा, तो देखिए किस तरह से दिया गया, जो समीकरण एक है वो हमारी बनी है 31 × 23 = 713, जो सच में यही होता है। अब निकालना है 310 × 0.023, इसका अगर पॉइंट में उड़ा दूँ तो नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक है, और अगर ये जो एक जीरो से एक जीरो में काट दूँ तो ये 31 रह जाएगा। अब क्या हो गया 31 × 23 जिसका मान मुझे दिया गया है 713 और बट्टे एक जीरो से कट गया तो ये था 100, और दो अक्षरों के बाद इसमें पॉइंट लग जाएगा तो ये आ जाएगा 7.13, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय कीजिए कि कौन सा या कौन से तर्क कथन में अंतर्निहित हैं। तो कथन दिया गया है एक बायोमेट्रिक प्रणाली कर्मचारियों को समय पालन का अमल कराने के लिए एक अच्छा उपकरण है, नीति शास्त्र किसी कार्यस्थल के लिए बहुत जरूरी है। अब अवधारणाएं दी गई हैं क्या, अवधारणाएं दी गई हैं केवल बायोमेट्रिक कर्मचारियों
को समय पालन नहीं करा सकती और कार्यस्थल नीति शास्त्र अनुशासन और समय पालन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? केवल बायोमेट्रिक कर्मचारियों को समय पालन नहीं करा सकती, तो ये तो गलत है, समय पालन करा सकती है भाई। और जो है कार्य नीति शास्त्र अनुशासन और समय पालन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये इसका सही हो जाए। तो भाई केवल अवधारणा जो सेकंड है वो अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45। यदि डिवाइड का मतलब इनटू और इनटू का मतलब प्लस है और प्लस का मतलब माइनस है और माइनस का मतलब डिवाइड है, तो हमें ज्ञात करना है 28 इंटू 3 प्लस 12 माइनस 4 डिवाइड बाय 10। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, 28 इंटू कर दिया गया प्लस, 3 प्लस कर दिया गया माइनस, 12 और माइनस कर दिया गया डिवाइड, और 10 और डिवाइड का मतलब दिया गया इंटू, डिवाइड का मतलब दिया गया इंटू। अब इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक, खुद भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति दी गई है और आपको बताना है कि ये कौन सी आकृति में सन्निहित है, मतलब कि ये जो आकृति है वो इसमें से किस आकृति में आपको पाई जाएगी। तो आप ऑप्शन नंबर एक बार डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी क्या इसमें आकृति है? इसमें भी नहीं है। सी में देखिए, सी में भी नहीं है। बी में, बी में भी नहीं है। परंतु अब ए में देखिए आप, ए में आपको देखने को मिल जाएगी, ये रही, ठीक है, देख लीजिए दोबारा, ये इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए में सन्निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए 47। निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुनिए। भाई वेन आरेख आपको बताना है विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आपको ही पता है कि जो भौतिक विज्ञान है और जीव विज्ञान है वो विज्ञान की ही शाखाएं हैं, परंतु जो भौतिक विज्ञान है और जो जीव विज्ञान है ये दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो ये हो गया विज्ञान, और भौतिक विज्ञान इसी की शाखा है और जीव विज्ञान भी इसी की शाखा है। तो जो आकृति नंबर चार दी गई है, ऑप्शन नंबर चार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48। निम्न का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। दर्पण प्रतिबिंब बनाना है भाई हमें, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, देख लीजिए। ये अगर पहले काला है तो इधर काला आ गया, फिर सफ़ेद और एरो इस तरह से शो हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, अर्थात ऑप्शन नंबर दो जिसमें ए दिया गया है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? देख लीजिए भाई, इन सभी का पहले इकाई का अंक ले लो, सबका क्या इकाई का अंक है? तो 647 इंटू 218 इंटू 437 इंटू 513। यहाँ थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये 647 नहीं है, यहाँ पे ये 674 है। इसका इकाई का अंक आ जाएगा 4 इंटू 218 का 8 इंटू 7 इंटू 3। मल्टीप्लाई कीजिए भाई, 4 इंटू 8 32 इंटू 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 21। अब इनका भी इकाई का अंक लीजिए, तो 2 इंटू 1, अब इन्हें इंटू करेगा तो 2, तो इकाई का ही अंक आ जाएगा कितना? 2। तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरिस्टमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तब क्या बनता है भाई? खालिस्तान में क्या आ जाएगा, तब क्या बनता है? तब बनता है स्थायी उत्तक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51। ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं, बी और सी उसे 120 दिनों में करते हैं, एक्स और वाई उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करें तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे? तो भाई ए और बी का अगर एक दिन का कार्य निकालोगे तो कितना है? 72 है, तो 1/72 आ जाएगा ए और बी का, ठीक है। बी और सी का निकालोगे एक दिन का कार्य तो आ जाएगा 1/20, 120, और सी और ए का निकालोगे तो कितना आ जाएगा एक दिन का कार्य? 1/90, ठीक है। सी और ए से मतलब मैंने यहाँ पे एक्स और वाई को ले लिया ताकि वो क्रम में आ जाए, एक्स और वाई को ले लिया सी और ए, ठीक है, ये मिसप्रिंटिंग ही है यहाँ पे एक्स और वाई, तो आ गया 1/90।
अब ए बी सी का एक दिन का जो कार्य होगा टोटल वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अब इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है कि ए बी और सी का 3 दिन का कार्य, अब 3 दिन का कार्य पूछा तो इसे 3 से इंटू कर देंगे पूरी राशि को। तो अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/20, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52। खालिस्तान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, तो क्या होती है, वो होती है पेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन पढ़िए और निष्कर्ष देखिए, कौन सा निष्कर्ष सही है वो आपको बताना है। तो देखिए भाई, कथन में क्या दिया गया है, वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है। निष्कर्ष दिया गया है दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर हैं, और दिया गया है वह दूसरे डिजाइनरों में तीसरे नंबर पर आता है। तो भाई देखिए, कथन के अनुसार क्या दिया गया है भाई, उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर में से एक बताया गया है, ठीक है। और इसने बताया गया है कि, तो इसका अर्थ क्या हुआ, दुनिया में उसके अलावा और भी अच्छे डिजाइनर हैं, है ना, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक बताया गया है, तो सीधी सी बात है दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर हैं, तो एक तो निकलता है। और दूसरा दिया गया है कि भाई डिजाइनरों में तीसरे नंबर पे आता है, तो ऐसा भी कुछ सही नहीं है, क्या पता वो पहले पर ही आता हो, क्या पता वो दूसरे पे आता हो, क्या पता वो दसवें पे आता हो, तो ये फिक्स नहीं कह सकते कि वो तीसरे नंबर पे आता है। तो जो निष्कर्ष एक है वही अनुसरण करता है जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, खालिस्तान गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, तो भाई किसको किया जाता है, किसका किया जाता है, नाइट्रोजन का। चिप्स क्या, जितने भी हमारे ये प्राप्त ये पदार्थ आते हैं, कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह जितने भी हैं, तो जब इनको थैलियों में पैक किया जाता है तो ये किसी और गैस के संपर्क में आके ऑक्सीकृत ना हो जाएं, इसलिए जो N2 है, ये अक्रिय गैस है, इसमें डाल के इन्हें ऑक्सीकृत होने से रोका जाता है, तभी ये आपको कुरकुरे लगते हैं खाने में, वरना ये गीले हो जाएं अगर ऑक्सीकृत हो जाएं तो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 55। 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों में 924 हो जाती है, तो आरंभ में कितनी जमा राशि की गई थी। तो भाई वही फिर से साधारण ब्याज का सूत्र लगाना होगा इसमें भी, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो पहले तो निकाल लेते हैं कि भाई साधारण ब्याज आखिर होगा क्या इसमें। तो भाई कितनी हो जाती है राशि, वो जाती है 924, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो आरंभ में जो जमा राशि की गई थी वो एक्स थी, तो जो राशि आ जाएगी मूल राशि वो कितनी आ जाएगी, 924 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इसका ब्याज। अब बता रखा है मैंने PRT/100, तो वो जाएगा एक्स इंटू 8 इंटू वर्ष टाइम कितना दिया है, 6 सही 3/4/100, ये इसका हो जाएगा। अब इसे आप सोल्व कर लीजिएगा तो एक्स बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 600, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। 56 क्वेश्चन पूछा गया है, योनि खालिस्तान की ओर जाती है, तो किस ओर जाती है, वो खालिस्तान में भरना है, तो वो है गर्भाशयी गिरवा, ऑप्शन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन देखिए 57। एक साधारण अष्टकोण ऑक्टागन के आंतरिक कोणों का योग होता है, तो कितना होता है भाई, वो होता है 1080, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 58। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016 से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया, वो किया गया उत्तम सिंह को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 59। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है, क्या है, वो है m/s². अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। √0.9 का मान पता लगाइए, √0 मान का, इसका मान का पता लगाना, तो किस प्रकार निकालेंगे,
इसको मैं 0.9 को 0.90 भी लिख सकता हूँ। और वो किस तरह से निकालते हैं भाई, अगर मान लिए पॉइंट ये है, अगर हम सी ऑप्शन लेके आपको देख लीजिए, उनका गुणनखंड कर लीजिए और भाग विधि द्वारा इसको निकालिए, तो मैं जैसे सीधा ही ले लेता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 है इसका, इसको लेके आपको सिद्ध करके दिखा देता हूँ, 4948, तो ये किससे होगा भाई, 9 से, ठीक है, 0.40 बजा कितना, इसमें 8 बच गया, ठीक है, और एक अब 9+9 करूँगा आगे भी, क्योंकि 81 चाहिए, तो ये आ जाएगा कितना, इसको जोड़ेंगे तो ये इतना 184, और ये आ गया 900। अब इसमें करना पड़ेगा क्या, ये आ जाएगा 736 प्लस 4 से, और ये हो जाएगा 1888, जो आ जाएगा 16400, माइनस कर दीजिए 15104 को, ये आ जाएगा 1296, अर्थात जो 0.9 है उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 0.948 के रूप में, तो 0.948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 90 है उसका कितना हो जाता है 1296। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 61, एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। तो 61 देखिए भाई, कौन सा कथन मजबूत है वो हमें बताना है, जनता को चिड़ियाघरों में जानवरों को भोजन नहीं खिलाना चाहिए। तर्क दिए हैं, हाँ, दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निषिद्ध है, नहीं, जानवरों को खिलाने में मज़ा आता है। तो कौन सा तर्क इसमें सही होगा भाई, तो वो ये इसलिए किया जाता है कि भाई चिड़ियाघर में खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं, तो जो दर्शक है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, तो तर्क जो एक है वो सिर्फ इसमें सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 केवल तर्क एक मजबूत है। अगला क्वेश्चन देखिए 62, मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्र का सेट होता है, तो कौन सा होता है भाई, वो होता है XX, तो महिलाओं में जो होता है XX गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो काम अगर कार्यालय से है तो व्यायाम किससे होगा भाई, हो जाएगा जिम से, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ट दिया गया अलग अलग भागों में, 2015 में कंपनी XYZ खर्च करता है, इस प्रकार से दिया है, ROD में, सैलरी में, ब्याज दर में, कर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर कंपनी ने 100 लाख करोड़ खर्च किया है तो कर्मचारियों की आय पर कुल कितना खर्च होगा, कर्मचारियों की आय देख लीजिए भाई कितने दी गई है, जो कर्मचारियों की आय पर, तो आय कितने परसेंट दी गई है इसमें, 64 है कर्मचारियों की आय, आय बोले तो सैलरी वो दी गई है 20%, जो ये दिया गया सैलरी अर्थात इसकी आय, इनकी इनकम, इस पे दिया गया 20%, तो जो भाई 100 लाख का है इसका 20% कितना जाएगा, 20 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ का 20% कितना जाएगा, 20 लाख करोड़, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ओम का नियम किस किस के मध्य विवरण करता है भाई, ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर, अर्थात किसी तार के जो दो बिंदुओं के विभांतर के मध्य जो नियम होता है कि उनके मध्य जो धारा होती है, तो वो क्या है, किन किन के मध्य होता है वो, तो वो होता है विभांतर और विद्युत धारा के, जब V बराबर IR है तो विभांतर और धारा के मध्य होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है, तो सबसे जो कम प्रतिक्रिया करने वाला मिश्रण है वो है C3H8, अर्थात मेथेन, एथेन और प्रोपेन, तीसरे नंबर पे, तो प्रोपेन इसका सही आंसर हो जाएगा एक का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया, तो किसने किया, वो किया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, हमारे मिस्टर PM प्रधानमंत्री जी ने, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68, महिला दिवस 2018 को नारी शक्ति पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो भाई
किसने प्राप्त किया नारी शक्ति पुरस्कार? ऑप्शन आप देख लीजिए, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, तीसरा है चावी राजावत, और चौथा दिया गया है मीना बहन। तो किसने इसका सम्मान प्राप्त किया, वो थे कौन थे वो? तो भाई जो महिला दिवस था 8 मार्च 2018 को, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी गीता मित्तल, उनके सहित 39 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो थी कौन सी? गीता मित्तल। गीता मित्तल कौन थी? गीता मित्तल। और ऑप्शंस में गीता मित्तल का नाम दिया ही नहीं गया, ठीक है? तो इसमें से ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं होगा। आप ध्यान रखिए, गीता मित्तल जो हैं उनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 69। निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन है भाई? वो है मृग, काला हिरण, कृष्ण मृग जो है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया था 30 मई 2018 को, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, 70। 156 डिवाइड बाय 47 प्लस 105 प्लस ब्रैकेट में 25 माइनस 120 और डिवाइड बाय 6 इंटू 5, उसके ऊपर दिया गया है बार, जो रेखा दी गई है। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, यह आ जाएगा 30। अब इसको सबसे इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे आप, तो ब्रैकेट को जब सोल्व करोगे तो 20 माइनस 120 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 30 करोगे तो ये आ जाएगा, 30 को डिवाइड बाय 20 करोगे तो ये आ जाएगा 4, 100 फिर इसको 25 में से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 21। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा 105 से, तो 21 जब डिवाइड होगा 105 बाय डिवाइड होगा 21 तो हो जाएगा 5, और आगे 147 प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 52, और 52 जब डिवाइड होगा किससे, 156 से आप जब डिवाइड करोगे 156 को 52 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 3 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 71। जल मिश्रित HCl की के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, तो HCl के साथ भाई प्रतिक्रिया कौन सा नहीं करता, वो है कॉपर। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्याओं के सेट में माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका ज्ञात करनी है आपको इसमें, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, या तो इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में जचा लीजिए, तो मैं आरोही क्रम में जचा देता हूँ, क्या आ जाएगा 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 18, 20 और 27। तो ये आ गई, पहले इनको क्या करते हैं आरोही क्रम में जचा लीजिए, माध्यिका जब भी ज्ञात करें जितनी भी संख्याएं दी गई है तो उन्हें आरोही क्रम में आप जमा लीजिए। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद पहले आप इसमें पद गिनिए वो कितने हैं, तो 11 पद हैं टोटल, और अगर विषम दी गई हो तो विषम के लिए माध्यिका का जो पद होगा वो होगा सबसे मिडिल वाला पद, और वो कैसे निकालते हैं, टोटल एन जितना दिया गया एन प्लस वन कर लीजिए और बाय टू, ये होगा अगर विषम पदों के लिए माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला। और अगर सम होते तो वो कितना होता है, वो होता है एन बाय टू प्लस वन या फिर एन बाय टू प्लस थ्री, ये होता है सम के लिए। पर विषम के लिए ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाय टू, तो एन प्लस वन अर्थात 12/2 अर्थात छठवा पद। तो छठा पद अब इसमें देख लीजिए कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, छठा क्या कौन सा है, 15। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 15। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15। अगला क्वेश्चन देखिए, 3, 4 और 9 का चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में पहले भी ज्ञात करा बता चुका हूँ आपको, चौथा अनुपातिक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, जो दूसरा और तीसरा है उसका गुणा कर लीजिए, 4 × 9, 36, और बचे पहले का डिवाइड कर दीजिए 3, तो कितना आ जाएगा 12। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। एक विशेष घर में 5 दिनों की में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी खपत होगी, तो कितनी खपत होगी भाई, वो होगी 3.6 × 10⁸ जूल, ऑप्शन नंबर 1 इसका करंट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 लोग किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 40 लोगों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैन इंटू डेज कर दीजिए, इक्वल टू में मैन इंटू डेज, पहले दे रखे हैं 30 लोग और 12 दिनों में करते हैं, तो अगला कितना हो जाएगा, 40 लोग कितने डेज में करेंगे, तो हो जाएगा 30 × 12/40, ऑप्शन आ जाएगा 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 76। निम्न में से
कौन भारत सरकारों के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? तो कौन सा भाई संबंधित है? देखिए पहला ऑप्शन है एक विज्ञान और तकनीक, और बी है खेल, तीसरा है संगीत और चौथा है साहित्य। तो कौन सा संबंधित है? वो है खेल, ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76, एम का गोला दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और इसको किस तरह से डिनोट किया हुआ है वो क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि वेन आरेख है उसमें तीन खेल दर्शाए गए हैं आपको। तो वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा तीन में एम एन व एल खेलते हैं। अगर न्यूनतम दो खेलते हैं ऐसे छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई जो न्यूनतम दो खेलते हैं वो देख लेते हैं भाई, एक तो इसमें और इसमें, ये न्यूनतम दो आ जाएगा, इसमें और इसमें आ जाएगा, और इसमें और इसमें आ जाएगा, न्यूनतम आ जाएंगे इनमें दो। तो वो कौन कौन से हो गए? एक तो हो जाएगा आठ, एक आ जाएगा सात, एक आ जाएगा नौ। ये न्यूनतम दो तो खेलते ही खेलते हैं, और अधिकतम कितना खेलते हैं वो जाएगा छः, क्योंकि तीनों मिल गई तो न्यूनतम के लिए तो जाएगा आठ, नौ और सात। लेकिन अब जो अधिकतम खेलते हैं वो न्यूनतम में भी आएगा तो वो कितना जाएगा छः, मतलब ये कम से कम दो तो खेलते ही, ज़्यादा कितना भी खेले ठीक है तो वो जाएगा छः। तो नौ प्लस आठ प्लस सात प्लस छः बराबर तीस, तो ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीस। अगला क्वेश्चन देखिए, कबड्डी के क्षेत्र में वर्ष 2017 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया भाई, वो दिया गया था हीरानंद कटारिया को। अगला क्वेश्चन देखिए 79 की एसआई इकाई एम्पेयर है, तो एम्पेयर किसकी इकाई होती है भाई? विद्युत धारा की, ऑप्शन नंबर चार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा की जो इकाई होती है वो क्या होती है? एम्पेयर होती है, प्रतिरोध की ओम होती है, विभवांतर की वोल्ट होती है ठीक है इस तरह से, और आवेश की क्या होती है? कूलम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? ठोस CO2 को सूखी बर्फ में के रूप में जाना जाता है, ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, तो ये तो एकदम सही है। दूसरा, CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, तो जो ये है ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी दिया गया क्वेश्चन कि ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, तो सीधे रूप में गैस के रूप में तो बदल जाती है, अर्थात ए और सी तो करेक्ट है पर बी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 81, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो वो किसने दिखाया था? वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन ठीक है, जिन्होंने E=mc² नामक का फॉर्मूला भी दिया था जो ऊर्जा के रूपांतरण से संबंधित है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया, तो किसने कर दिया था? वो है मुहम्मद बिन तुगलक ठीक है। ये दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था ठीक है, जबकि इसकी जो ये योजना जो थी ये असफल रही थी। वह दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान शासक था, ये था मुहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर चार इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृतियों में से भिन्न आकृति को बाहर निकालना है, तो कौन सा है भाई? देखिए जितनी भी आकृतियाँ हैं वो सारी पूर्ण आकृतियाँ हैं, चाहे कैसी भी हों, पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये पूर्ण आकृति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें सी दिया गया है ठीक है, क्योंकि ये खुली आकृति दी गई है, बाकी सभी बंद आकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 84, तत्व दिया गया 282 में इलेक्ट्रॉनिक समाकृति में आवर्त में रखा गया, तो आधुनिक आवर्त सरणी में ये है, तो 282 ठीक है, तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? दो हो गए, अंतिम कोश में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि ये एक पहला जो व्यास विन्यास बनता है वो दो इलेक्ट्रॉनों का, फिर दूसरा बनता है आठ का, और तीसरा भी बनता है कितने का? आठ का, पर इसमें अंतिम कोश में कितने हो गए? दो ठीक है। और अगर दो जिसके अंतिम कोश में होते हैं वो किस स्थान में जाता है? वो दिया जाता है एस ब्लॉक 12 में, तो एस ब्लॉक 12 तो पूरा नहीं देगा पर 12 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर चार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो किस पर निर्भर नहीं करता भाई? वो करता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है FS cos थीटा, जिसमें द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए,
माता और पुत्री की कुल उम्र 50 वर्ष है। 5 वर्ष बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुनी अधिक होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई मान लेते हैं कि जो माना की जो माता है उसकी जो वर्तमान आयु वह x वर्ष है, ठीक है, और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब इसमें दिया गया है कि 50 वर्ष है टोटल उनकी आयु, तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 50 वर्ष। और दिया गया है 5 वर्ष बाद वो जो पुत्री की उम्र है वो 4 गुनी से अधिक होगी, तो 5 वर्ष बाद अर्थात x प्लस 5 वर्ष बाद और y प्लस 5 वर्ष बाद कितनी अधिक होगी 4 गुनी, तो 4 से इंटू कर दीजिए, ये 4 गुनी अधिक हो गई। तो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इस एक बार इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, x प्लस 5 है वो इक्वल टू में इस 4 को अंदर इंटू कर दीजिए, तो x प्लस 5 इक्वल टू 4y प्लस 20, ठीक है। और x प्लस 5 अब इसको सोल्व करेंगे, इसका पक्षांतरण कर लीजिए, अगले पेज पे करता हूँ मैं इसे रफ करके, वो कितना हो जाएगा भाई 50 माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 4y प्लस 20। ये कैसे आ गया, ये समीकरण एक से आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे x प्लस वाई जो है उसका मान रख दिया 50। आगे सोल्व कीजिए, 4y प्लस वाई इक्वल टू 55 माइनस 20 बराबर 35, अर्थात y बराबर आ जाएगा कितना 7 वर्ष। तो पुत्री और वाई हमने माना था पुत्री की आयु को, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मार्च 2018 से पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो भाई कौन है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, 1 मार्च 2018 से। अगला क्वेश्चन देखिए, 1, 8, 27, 64 और 216, तो लुप्त संख्या क्या है ज्ञात करनी है। तो भाई देख सकते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। तो लुप्त पद अगर अब इसमें ज्ञात करना है तो किसका 5 का क्यूब निकालेंगे, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और इसी प्रकार 6 का क्यूब भी 216 इसमें दिया गया है, तो लुप्त पद क्या आ गया 125। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रमशः 21, 84 यदि दोनों संख्याओं का अनुपात है, इनको अनुपात 4 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। मैंने आपको बता रखा जब भी अनुपात में दिया हो तो x मान लीजिए इनटू करके, तो x और ये हो जाएगा 4x, और फॉर्मूला आपको पता ही है कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लेस है इनटू मैस है, ठीक है। अब निकाल लीजिए भाई 4x स्क्वायर 21 इंटू 84, ठीक है, 4 स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है, तो इसको जब अंडर रूट को सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास x का मान कितना 84, तो बड़ी संख्या सॉरी x का मान आ जाएगा 21, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे तो 21 जब x का मान आ गया और बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी, तो भाई 1:4 में बड़ी तो 4 वाला ही होगा, और इसको हमने 4x माना था, तो 4 × 21 करोगे तो क्या आ जाएगा कितना जाएगा 84, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भविष्य में रेडियो टेलीफोन टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी, तो किसने रखी थी भाई इनके विकास की नींव, वो थे हेनरिक रुडॉल्फ हर्ट्ज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a प्लस 1/a बराबर 5 दिया है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान निकालना है, तो सीधा सा है, कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब जब आप खोलोगे तो क्या होता है वो होता है a का क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये a का प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है, बराबर में 5 का क्यूब हो जाएगा 125, a से ये कट जाएगा। इक्वेशन सोल्व करोगे तो आ जाएगी ये जो a क्यूब प्लस b क्यूब है इसका अपने को मान निकालना है, ठीक है, और इसका मान हमें दिया गया है वो है 5, यहाँ 5 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 5 × 3 हो जाएगा 15, 125 माइनस 15 करोगे तो क्या आ जाएगा 110, अर्थात a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का माना जाएगा 110, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 92 वर्ष 2018 में केन्या के नए राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसने शपथ ग्रहण की है, तो किसने शपथ ग्रहण की भाई, वो थे उहुरु मुइगोई केन्याता, ठीक है, अजीब सा नाम है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 93 दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी, तो त्रिभुज ज्ञात कीजिए भाई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10,
ये 10 तो आ गए, ये थे सिंपल। अब 11 12 निकालिए, 11 12 भी सिंपल ही हैं, 11 और 12 और अधिकतम इसमें 16 है, और भी देख लीजिए क्योंकि अधिकतम 16 है, और भी हो सकते हैं इसमें, और आपको दिखेंगे नहीं तो टोटल है और आप निकाल भी नहीं सकते आगे क्योंकि इतने ही बनेंगे इसमें, टोटल 12 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न वक्तव्यों में निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो तार्किक रूप से प्राप्त होते हैं। वक्तव्य दिए गए हैं भाई, कुछ एल्बम फ़ोटो हैं, सभी फ़ोटोज़ फ्रेम है, तो कुछ एल्बम मान लेते हैं ये एल्बम है, कुछ एल्बम क्या है फ़ोटो, तो कुछ एल्बम ये मान लेते हैं फ़ोटोज़, ये एल्बम हो गई, ये फ़ोटोज़ हो गई। अब इसने बोला है सभी फ़ोटोज़ फ्रेम है, तो सभी फ़ोटोज़ फ्रेम हैं, तो ये हो जाएगा फ्रेम कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा फ्रेम। अब पूछा गया है निष्कर्ष, कुछ एल्बम फ्रेम है, तो कुछ एल्बम फ्रेम है, तो ये तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। सभी फ़ोटो फ्रेम है, सभी फ़ोटो फ्रेम्स हैं, क्या दिया गया, सभी फ़ोटोज़ फ्रेम्स हैं, तो ये निष्कर्ष जो है वो अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा, निष्कर्ष एक कुछ एल्बम्स फ्रेम है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे, वो थे राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमन की बहनों के इकलौते भाई के पिता की माता सुमन से किस प्रकार से संबंधित है, क्या है भाई ये सुमन है, सुमन की बहन के इकलौते भाई के बहन मान लेते हैं, सुमन की जो बहन है ये के इकलौता भाई, ये इकलौता भाई है, ये हो जाएगी सुमन, ये उसकी बहन और ये हो जाएगा मान लेते हैं इकलौता भाई, ठीक है, के पिता मान लेते हैं ये हो जाएगा पिता, ठीक है, के पिता की माता, की माता किस प्रकार से संबंधित, तो ये इसकी दादी हो जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा, तो देखते हैं भाई कौन सा देगा, अवसान मतलब कि जो अनंत पदार्थों ना जाए, लिमिटेड सीमा तक रहे, तो 9/72 इसको कितना होता है 0.125, तो यही दे रहा है हमें तो अवसान, बाकी भी देख लेते हैं। 6/72 इसका हो जाएगा भाई 0.833333 आगे तक जाता रहेगा, और 3/72 को देखोगे तो 0.141666 ये भी आगे तक जाता रहेगा, और 12/72 देखोगे तो वो हो जाएगा 0.1666, तो जो अवसान दशमलव देता है वो हो जाएगा 9/12, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार सड़क के किनारे से गिरकर 0.5 सेकंड में ज़मीन पर आ पहुंचती है, अगर जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो ज़मीन से टकराते समय इसकी गति क्या होगी, तो भाई जो गति के समीकरण है, न्यूटन की गति के समीकरण आपने पढ़े होंगे, तो इसमें वी बराबर यू प्लस ए टी होता है, ठीक है, ए यहाँ पे जी दिया गया था गुरुत्वीय त्वरण, वी बराबर हमें ज्ञात करना है कि इसकी गति जो अंतिम समय में क्या होगी, तो प्रारंभिक वेग है जो प्रारंभिक वेग u, ये हो जाएगा कितना 0, और g हमें दिया गया 10, समय हमें दिया गया 0.5, तो v बराबर क्या जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड इंटू करने पे, तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लुप्त जानकारी ज्ञात कीजिए, ए जेड बी वाई है, सी एक्स डी डब्ल्यू है, ई वी एफ डब्ल्यू है, तो किस तरह से निकाला है इसे देखिए, अगर c है इसको देखिए किस तरह से निकालेंगे, अगर ए है, ए में मैं प्लस एक करूँ तो बी आता है, ए के अगला पद, ठीक है, और वाई में से अगर मैं एक घटाऊँ तो जेड आता है, वाई से जस्ट पहला पद, ठीक है, सी में प्लस एक करूँ तो डी, डब्ल्यू में से एक घटाऊँ तो एक्स, ई में एक प्लस करूँ तो एफ, और यू में से एक घटाऊँ तो वी, इस प्रकार से ये आया, और इसी प्रकार आई आर जे क्यू भी होगा, क्योंकि आई में अगर एक प्लस करूँ तो जे, और क्यू में से एक घटाऊँ तो आर, तो अब देखना है इस ऑप्शन 4 में ऐसा कौन सा है, तो वो हो जाएगा GTHS,
क्योंकि जी में एक प्लस करूंगा तो एच और एच में से एक घटाऊंगा तो टी, तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बास्केट एक कोड भाषा में ए बी के एस टी ई के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में एक्टिव को किस प्रकार से लिखा जाए। तो पहले देख लीजिए बास्केट को किस तरह से लिखा है, उसे ही फिर हम एक्टिव को लिख देंगे। तो बास्केट के लिए क्या क्या है, बी है वो मान लेते हैं कि एक है, बी बराबर है उसको एक लिख दिया, ए को दो लिख दिया, एस को तीन लिख दिया, के को चार लिख दिया, ई को पाँच लिख दिया और टी को छः लिख दिया, एक दो तीन चार पाँच छः। अब देखिए ए बी के सी किस किस तरह से बनाया, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हमारे लिए दो था ठीक है, और बी हमारे लिए एक है, के हमारे लिए चार है और एस जो है वो हो जाएगा तीन, और टी जो है वो छः हो जाएगा और ई जो है वो पाँच है। देखिए ऐसा किस लिए किया गया, क्योंकि जो बास्केट है उसको उसके जब बस बास्केट के जो अक्षर है उसके क्रम बदल के ही आपस में लिखा गया है। तो जो एक दो तीन चार पाँच है हमने इसका एक क्रमानुसार लिख दिया, और उसी प्रकार से ए बी के एस टी ई जो भी क्रम बना उसका वो क्या बन गया, दो एक चार तीन छः पाँच। उसी प्रकार से अब एक्टिव को भी कर सकते हैं हम, तो एक्टिव के में ए को मान लिया एक, सी को मान लिया दो, टी को मान लिया तीन, आई को मान लिया चार, वी को मान लिया पाँच और ई को मान लिया छः। अब हमें जमाना किस अनुसार है, हमें जमाना है दो एक चार तीन छः पाँच के अनुसार। तो दो इसमें क्या बन जाएगा, दो इसमें बन जाएगा सी, एक इसमें बन जाएगा एक, चार बन जाएगा आई और तीन जो है वो बन जाएगा टी, और जो छः है वो बन जाएगा ई, और जो पाँच है वो क्या दे रखा है, वो हो जाएगा वी। तो इसे किस प्रकार से लिख देंगे, सी ए आई टी ई वी, जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको देखिए, सी ए आई टी ई वी ऑप्शन नंबर दो, तो ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था दोस्तों हमारा मॉडल पेपर चार, और इसी तरह से आपको आगे भी मॉडल पेपर्स की सीरीज हम प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। और अभी भी अगर हमारे आराध्य आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।